आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आयुब का ग्रंथ अध्याय एक पद संख्या एक से आठ तक जब मैं इसे पढ़ती हूँ, मैंने कई बार इसे पढ़ा है, जब जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो मुझे एक आदर्श परिवार का दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। मैं आज इस चालीसा काल में मैं एक आदर्श परिवार का एक झलक आपके सामने रखते हुए एक साथ मनन करना चाहूंगी। हम देखते हैं आयुब का ग्रंथ अध्याय एक पद संख्या एक। उस देश में आयुब नामक मनुष्य रहता था, वह निर्दोष और निष्कपट था, ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता था। देखिए, पूरे उस देश में आयुब नामक एक व्यक्ति के बारे में वो कैसा था अंकित किया गया है बाइबल में। उसके बारे में वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार का था। वचन हमें सिखाती है, याद दिलाती है कि वह निर्दोष, वह निष्कपट, ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर था। और हम आगे देखते हैं वचन पद संख्या दो, उसके सात पुत्र और तीन पुत्रियां थी। उसके सात पुत्र और तीन पुत्रियां थी, यह उनका परिवार का एक झलक कि उनके परिवार में आयुब, उसकी पत्नी, उसके सात पुत्र और इनके तीन पुत्रियां। अब हम पद संख्या चार में देखते हैं, उसके पुत्र बारी बारी में अपने यहां भोज का प्रबंध किया करते और अपनी तीनों बहनों को भी अपने साथ खाने पीने के लिए निमंत्रित किया करते थे। यानी इतना बड़ा परिवार है ये इनके सात पुत्र और तीन पुत्रियां विवाहित हो गए, सब अपने अपने परिवार में बसे हुए हैं। लेकिन देखिए, आयुब ने इन बच्चों के बीच में या बच्चों के साथ या बच्चों के दिलों में ऐसा एक रिश्ता जगाया, ऐसा एक प्रेम जगाया कि जिसके चलते वे एक दूसरों के साथ ऐसे जुड़े हैं मानो ये पूरा बड़ा परिवार विवाहित होने के बाद भी ये अब भी एक ही है। ये उस एकता को किस प्रकार बनाए रखते हैं, एक दूसरे के प्रति उनका प्यार, श्रद्धा, आदर, सम्मान सब कितना अधिक है। ये बारी बारी में एक एक परिवार अन्य परिवारों को बुलाता और एक साथ ये खाने खाते पीते और अपने प्रेम को बांटते, सुख दुख को बांटते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने बहनों को भी अलग नहीं रखा, ये सब एक साथ इस प्रकार वे आगे बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं पद संख्या पांच में, जब भोजन का एक चक्र समाप्त हो जाता तब आयुब उनको बुलाकर उनकी शुद्धि करवाता और वह स्वयं बड़े सवेरे उठकर प्रत्येक के लिए होम चढ़ाता था। देखिए, पापा की जिम्मेदारी यहां पर, जब पूरे सात भाइयां सभी परिवारों को अपने अपने घर में बुलाने का पारी खत्म होता है, उसके बाद अब आयुब क्या करता है, हर एक को बुलाकर वे उन्हें शुद्ध करता, यानी उन्हें पूरी प्रकार से उन्हें पवित्र करता और हर एक के लिए बलि चढ़ाता था, हर बेटे के लिए बलि चढ़ाता था। आज हम कहे तो हर एक के लिए मिसा बलिदान चढ़ाता था, बलि अर्पित करता था, प्रार्थना करता था। और हम आगे देखते हैं, कोई भी प्रकार से इनके बीच में
जरा सा भी मनमुटाव तो नहीं आता होगा, या इनके द्वारा ईश्वर कहीं नाराज तो नहीं होंगे, या इस बात का एकदम ध्यान था। वह खुद ईश्वर भक्त था और अपने बच्चों को भी ईश्वर भक्त ही बनाए रखना चाहता था। और देखिए वो कितना धनी है, उसके पास सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, जानवर है, सब सब कुछ है, लेकिन जितना वो अपने शरीर के लिए कमाया है, अपने धरती पर के जीवन के लिए कमाया है, उतना ही अधिक उसने अपनी आत्मा के लिए भी कमाया है। जितना वो बच्चों के लिए कमा कर दिया है, जितना वो बच्चों के कार्यों में श्रद्धा किया है उनके शारीरिक बढ़ोती के लिए, उतना ही वो बच्चों की आध्यात्मिक बढ़ोती का भी वो ख्याल रखा है। बच्चों की आध्यात्मिक बढ़ोती के लिए भी उसने काम किया है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आज के डेट में जरा हम अपने परिवार के बारे में सोचें कि हम बच्चों की पढ़ाई, जैसे बच्चे जन्मे, अभी हमारा अगला चिंता है कि बच्चों को पढ़ाना, अच्छे स्कूल में भेजना, अच्छे अच्छे स्कूल में भेजना, अच्छे अच्छे से उन्हें पढ़ाई करवाना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, इस सब बात की बहुत चिंता करते हैं। लेकिन क्या इस बीच में बच्चों की आध्यात्मिकता के बारे में सोचते हैं? बच्चों के लिए जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, तुरंत माता पिताएं बैंक बैलेंस देखने लगते हैं कि एक एक बच्चे के लिए कितना बचा के रखना है, कितना क्या क्या करना है, उनके बात में धीरे धीरे उनका भविष्य, उन्हें इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, ये करना है, वो करना है, उन्हें ऐसे जगह पढ़ाई के लिए भेजना है, बहुत अच्छी बात करना है। लेकिन मेरे बच्चा, मेरा बेटा बड़ा होने के बाद, आने वाले दिनों में धरती पर के जीवन को समाप्त करने के बाद जहां उसे जाना है, क्या मैंने वहां के लिए भी बच्चों के लिए कमाया है? बच्चों को वहां भेजने के लिए भी मैंने बच्चों को तैयारी की है? चालीसा काल में आज हम इन बात पर जोर दें कि मैं और मेरा परिवार जिस प्रकार धरती पर के जीवन को पे जीने के लिए बहुत कमाया है, बहुत कुछ किया है और थोड़ा बहुत कर भी रहा हूं, उसके साथ साथ हमें चाहिए कि बच्चों की आध्यात्मिक बातों में भी हम ध्यान दें, उसके लिए भी हम कुछ करें। मुझे याद है एक बार एक पल्ली पुरोहित पल्ली में मिसा बलिदान समाप्त होने के बाद अनाउंस किया कि आज याद रखिएगा अपने बच्चों को धर्म शिक्षा क्लास के लिए भेजने में मत भूलिएगा, आज इतने समय में धर्म शिक्षा क्लास है। इतने में एक पापा खड़े होकर पूछते हैं, क्या धर्म शिक्षा? धर्म शिक्षा सब हम घर में पढ़ा लेंगे, पूजा बलिदान का समय ही बहुत है, उसके बाद बच्चों को ट्यूशन जाना है, उसके बाद बच्चों को कोचिंग के लिए जाना है, ये सब समय कहां से, एक ही दिन तो है रविवार का दिन। तब भी आपका धर्म शिक्षा, ऐसे बोलते हुए थोड़ा भड़कने लगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फादर आगे कुछ नहीं कहे क्योंकि मिसा बलिदान का समय था। मैं सुन रही थी इस सवाल को, इस बात को, इस चर्चा को, मुझे बहुत दुख लगा। मैं भी उसे कुछ जवाब न तो नहीं दी, लेकिन मैं आज उसे याद कर रही हूं। देखिए हम तुलना करते हैं साबत का दिन, रविवार का दिन, हमारे लिए बहुत सारे कार्यों को हम लोग पूरा करने के लिए हम प्लान किए रहते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन उससे भी बढ़कर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि रविवार के दिन बच्चे हमारे क्या मिसा बलिदान में पूजा चढ़ाने के लिए जाते हैं? और जाते भी है तो याद कीजिएगा, अक्सर ये भी देखने को मिलता है मिसा बलिदान के लिए आए जरूर, लेकिन वहां पर भी मोबाइल के साथ बच्चे व्यस्त है, या फिर बाहर खड़े हैं, जैसे परम प्रसाद स्वीकार करने का समय आया तो तुरंत गुस्से लिए और फिर बाहर निकले, ऐसे भी बहुत ही दृश्य देखने को मिलता है। शायद
आप विचार कीजिएगा जहां आप है, जहां आप है, क्या आपके पैरिश में ऐसा होता है, या फिर आप क्या उनमें से एक है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रभु से माफी मांगते हुए, हम ऐसे चीजों से या ऐसे कार्यों से, इस प्रकार की बातों से हम दूर रहे और हम आध्यात्मिक बातों में रुचि लेने के लिए प्रयास करें। हमारे बच्चे संत चावरा कहा करते थे, विशेष उपदेश जहां वे दिए हैं उनमें से एक उपदेश यह है कि माता पिताएं, बच्चे तुम्हारे लिए सौंपे गए निधि है, बच्चे तुम्हारे नहीं है, ईश्वर के संतान है वे। प्रभु ने तुम में भरोसे के साथ, तुम पर विश्वास करते हुए तुम्हें निधि के रूप में तुम्हें सौंपा है। यदि कोई भी कारणवश तुम्हारे बच्चे नरक जाए तो दोषी तुम होगे। कोई भी कारणवश तुम्हारे बच्चे नरक जाना पड़े तो दोषी तुम होगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संचावरा के इस उपदेश को बड़े गंभीरता से स्वीकार कीजिए ना, कि हमारे बच्चे आज कहां हैं, कैसे हैं। हम जरूर उन्हें स्वर्ग ले जाएंगे, हम जरूर उन्हें स्वर्ग पहुंचाएंगे, हमारी जिम्मेदारी और हमें इसका लेखा देना है। हम आगे देखते हैं कि देखो आयुब किस प्रकार वो अपने परिवार के लिए चिंतित है। वो कहता है कि संभव है मेरे लड़कों ने कोई पाप किया हो और मन ही मन ईश्वर की निंदा की हो। देखिए, कोई ना कोई प्रकार से ईश्वर की निंदा की हो या कोई ना कोई प्रकार के छोटे मोटे पाप किए होंगे, इसलिए बच्चों के पाप के प्रायश्चित के लिए देखो माँ बाप की जिम्मेदारी। बच्चों की आध्यात्मिकता के बारे में हम कितना अधिक रुचि लेते हैं, कितनी हम कितने समर्पित हैं, हम आध्यात्मिक बातों के बारे में शायद इसलिए हम ध्यान नहीं देते क्योंकि वो अदृश्य है, वो तो बात की बात है, हम ऐसे लेते हैं, हम ऐसे सोचते हैं अक्सर, वो तो बात की बात है, देखा जाएगा। लेकिन याद कीजिएगा, वो दिन दूर नहीं है। मुझे याद है एक भाई का, एक परिवार में एक बेटा, उसके पापा की इतनी हैसियत नहीं कि वे उसे उस बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाए, लेकिन बेटे के जबरदस्त से, जिद से, जहां तहां से पैसा उधारी लेकर पापा बेटे को इंजीनियरिंग करवा रहा है, इंजीनियरिंग कोर्स करवा रहा है, उसे पढ़ा रहा है कहीं दूर भेजकर। पहला साल तो वहां पूरा किया और वो नहीं सका, वापस वहां आया जहां पर मम्मी पापा रहते हैं और वहीं पर वो पढ़ रहा है। इस बीच में पता नहीं, ऐसे कहते हैं कि जब भी वो फादर सिस्टर्स को देखता था तो बड़े प्यार से, आदर सम्मान के साथ, बड़े झुक कर जय यीशु सिस्टर, जय यीशु फादर, ऐसे कहा करता था। लेकिन अब दिन बीत गया, अब ऐसा हुआ कि उसे फादर सिस्टर को देखना तो बात की बात, चर्च में जाना तो सोच भी नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो इस प्रकार बाइबल पढ़ना, रोसरी माला जपना, ये सब उसके लिए बकवास। वो कहता है ये सब बकवास है, मैं इंजीनियरिंग पढ़ूंगा, पढ़ाई करूंगा कि बाइबल पढ़ूंगा, कि मैं रोसरी माला जपूंगा, कि मैं क्या करूंगा, ये सब पूरा एक साथ मैं नहीं कर सकता। और इस प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो इंजीनियरिंग अब फाइनल ईयर में पहुंच गया, वो बुरे संगति में फंस गया, वो बुरी तरह फंस गया, उसका किसी एक लड़की के साथ वो बुरे रिश्ते में फंस गया और दुनिया भर का नशा लेना सब कुछ करने लगा। लेकिन कभी मम्मी पापा को पता नहीं चला इस बात का। जब वो घर में आता तो लेट आता और जब पूछते हैं तो बताता है कि क्या मम्मी आप क्या जानती है, कोचिंग क्लास था, ट्यूशन था, हम ग्रुप स्टडी करते हैं, हम ऐसा करते हैं। मम्मी को लगा, पापा को लगा, ठीक है बेटा ठीक है। लेकिन कभी वो अपने असलियत को मम्मी पापा के सामने नहीं रखा और ऐसा बीतता गया। कोर्स कंप्लीट की,
फेयरवेल आया, वो 6-7 बजे आऊंगा मैं घर आज, ऐसे बताकर वो घर से निकला। 7 बज गए, 8 बज गए, घर में वापस नहीं आ रहा है। मम्मी परेशान हो गई, मम्मी ने पापा को बुलाया, पापा देखिए ना बेटा नहीं है, बुलाइए खोजिए। पापा ने कहा वो आएगा, वो गया है तो वो आएगा। और इस प्रकार वेट करते गए, वेट करते गए। जब 10 बज गया, 10:30 बज गया, 11 बज गया, बेटा नहीं आया। थोड़ी देर के बाद पापा को एक फोन आया, अंकल जी जल्दी आइए, एक हॉस्पिटल का नाम बताया गया, वो हॉस्पिटल के पास जल्दी पहुंचिए। पापा तुरंत निकले, मम्मी ने पूछा कहाँ है, क्या हुआ? पापा ने कहा कि रुकिए मैं आ रहा हूँ। और जैसे गए पता चला कि बेटे के शरीर पर अब सफेद कपड़ा डाला गया है, उसे ओढ़ा गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हुआ? पापा इंतजार में है, अभी इंजीनियरिंग खत्म कर मेरा बेटा वापस आएगा, अभी वो इंजीनियरिंग बनेगा। अब पापा मम्मी ने क्या खोया? बेटे को खोया। बेटा ने किसको खोया? अपने आप को। कहां गए उनके दोस्त? कहां गया वो रास्ता जिस रास्ते से वो जाता था? मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां मैं इसे आगे और नहीं बढ़ाना चाहूंगी, मैं वापस याद दिलाना चाहूंगी, 40 साल के काल में हम क्यों ना अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने मम्मी पापा को हम प्रभु के सामने रखे, समर्पित करें, और हम मिलकर परिवार में इस 40 साल में कम से कम हम रोज संध्या बिनती प्रार्थना हमारे घर में होगा, इसका एक बड़ा जबरदस्त एक निर्णय ले। हम बच्चे, मम्मी पापा, बच्चे मिलकर जरूर हर रोज घर में प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, रोसरी माला जपेंगे, बाकी सब समय कोई बात नहीं, आपकी बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो, यूनिवर्सिटी परीक्षा क्यों ना हो, कुछ भी हो, कितना भी व्यस्त हो, लेकिन याद कीजिएगा आपके घर में रोज प्रार्थना हो, आपके घर में रोज प्रार्थना विनती हो। आप रविवार को, आपके बच्चे और आप हर रविवार को पूजा बलिदान में भाग ले रहे हैं, धर्म शिक्षा पढ़ने लायक आपके बच्चे है तो हर रविवार में आपके बच्चे धर्म शिक्षा क्लास में हाजिर है। और इस प्रकार आप ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से बच्चे छूट गए। ऐसा हो हम प्रभु से ऐसी प्रार्थना करें कि हमारे बारे में भी ईश्वर, हम पद संख्या 8 में देखते हैं जब शैतान प्रभु के पास आकर आयुब के लिए बात करता है, शैतान कहता है कि मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया, देखे पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया और मैंने खोज निकाला है आयुब को। देखे याद रखिएगा 40 काल में जो प्रभु भक्त है, जो प्रभु के साथ जुड़े हैं, उन्हें गिराने के लिए कई प्रकार से शैतान चक्कर ले रहा है, शैतान आपका पीछा कर रहा है कि कैसे आपको गिराए, आपके परिवार को गिराए, आपके बच्चों को गिराए, आपको गिराए, आपकी पवित्रता में कलंक लाए। और जब शैतान प्रभु के पास आयुब के लिए बात करता है, देखिए प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने कहा कि पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं है, पृथ्वी भर में मेरा बेटा आयुब के समान, आयुब के परिवार के समान कोई परिवार नहीं है, वह निर्दोष और निष्कपट और ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन जब आप संध्या विनती करेंगे, आप परिवार वाले एक साथ एकजुट होकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु से यह दुआ करना कि प्रभु आज से मैं और मेरा परिवार निर्दोष, निष्कपट, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले और बुराई से दूर रहने वाले बनेंगे। इसके लिए प्रभु हम सबों को आशीष दें।